पंजाब में आम आदमी पार्टी का जश्न। भोपाल के बरखेड़ा पठानी गोविंदपुरा विधानसभा में बबीता पाल के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे एवं मनोज पाल ने बताया कि जिस प्रकार पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, उसी प्रकार 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी। जी महोदय, पंजाब में जो प्रचंड आपकी जीत हुई है, उस विषय में आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत हुई है। जो काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू की, उस राजनीति को पंजाब की जनता ने मोहर लगाया है। कल ये जो जीत हुई है, इस जीत के कई ऐतिहासिक मायने हैं। आप अगर देखेंगे तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री रहे हैं चन्नी साहब, वो दोनों सीटों से हार गए। सिद्धू बड़ा चेहरा है, वो चुनाव हार गए। प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव हारे। उनके बेटे सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम रहे, वो चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर चुनाव हारे हैं, और इनको सामान्य लोगों ने, आम घरों के लड़कों ने, लड़कियों ने हराया है चुनाव। पंजाब में जो ये बयार बही है काम की राजनीति की, ये पूरे देश में जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के शासन से, कुशासन से परेशान है। यहाँ चूंकि कांग्रेस पार्टी ना तो जनता के बीच में, ना सड़क पे, ना सदन पे, कहीं पे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। कांग्रेस ने मार्च 2020 में न केवल सत्ता खोई बल्कि जनता के बीच से विश्वास खो दिया है। तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी संगठन के स्तर पे, संघर्ष के स्तर पे, जनता के मुद्दों को लेकर और चुनावी तैयारी के स्तर पर, तीनों स्तर पर काम कर रही है। यहाँ मजबूत और ठोस विकल्प देने जा रहे हैं। ये पंजाब की जो आधी है, मध्य प्रदेश में तूफान बनेगी, और यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान का कुशासन, जो लूट तंत्र चल रहा है, इसे उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जी, मैं बबीता विजयपाल वार्ड 56 से प्रत्याशी हूँ, पार्षद प्रत्याशी हूँ और महिला जिला उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। मैडम, आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? चुनाव को लेकर हमारी रणनीतियाँ हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो काम की पार्टी है। हम बातों पे विश्वास नहीं रखते, और जो दिल्ली में जो हमारा मॉडल है, जो केजरीवाल जी ने हमको दिया है, उसी मॉडल को लेके हमको मध्य प्रदेश में भी कार्य करना है। जिस तरह दिल्ली में शिक्षा है, बिजली है, पानी है, वही चीजें हमको मध्य प्रदेश में भी लानी है, और उनको ही हम साथ में लेकर उसी मॉडल पे हम काम करेंगे, वही हमारी रणनीतियाँ रहेंगी। मैं, बहुत सी पार्टी वादे करती है और पूरे नहीं करती। आपकी पार्टी जैसे आप चुनाव जीतके आते हैं, आपकी पार्टी गरीबों का ध्यान रखेगी? जी देखिए, बहुत सी पार्टियाँ बातें करती हैं और काम नहीं करती, लेकिन केजरीवाल जी ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि जो उनने कहा वो उनने किया है, और इसी कारण जनता उनको पसंद कर रही है और अगली बार भी उनको दिल्ली में चुना। और इतने कम समय में कोई पार्टी है जो पंजाब में भी आई और पूर्ण बहुमत से पंजाब में आई है, तो अब विकल्प के रूप में हमारी दूसरी पार्टी है, और केजरीवाल जी ने साबित कर दिया है कि हम वादे नहीं करते, सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं, और जिस प्रकार वहाँ काम हुए हैं वैसे ही मध्य प्रदेश में भी काम होंगे और हम करेंगे, ये हमारा वादा है जनता से। खुशी की लहर कहाँ से कहाँ तक होगी? खुशी की लहर जी दिल्ली है, पंजाब है, बाकी मध्य प्रदेश है, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में ही आप पार्टी आएगी, और बहुत जल्द। जिस प्रकार हमने अभी इतनी जल्दी रिकवरी की है कि अपन ने सेकंड पार्टी के रूप में कांग्रेस की जगह आप पार्टी ले चुकी है बहुत कम समय में, तो साफ साफ नजर आता है कि हमारे इरादे बहुत ऊंचे हैं और हम एक दिन आसमान छुएंगे। मैडम, मध्य प्रदेश के अंदर डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली से, कोरोना काल से, माफ के पेमेंट दे रहे हैं, जी बहुत ही बुरा लगता है ऐसा कि मध्य प्रदेश में बिजली बनाई जाती है और यहाँ से दिल्ली बिजली खरीद कर वहाँ पर 200 यूनिट फ्री दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज मामा जी हैं जो यहाँ पर भी बिजली हमको काफी महंगी दे रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम भी, महंगाई आसमान छू रही है, इससे हम भी काफी दुखी हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आए, जिससे हम महंगाई पर थोड़ी रोक लगा सकें, और जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी का, हाउस टैक्स हाफ और कमर्शियल टैक्स माफ है, उस प्रकार हम भी यहाँ पर कमर्शियल टैक्स। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां चल रही हैं।